अस्सलाम वालेकुम बेटा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप यकीनन खैरियत से होंगे। और इससे पहले कि मैं द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मैं वो स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें। अच्छा, सबसे पहले आता है जी, जरा एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। मैं अपने दांत साफ करता हूँ, आई क्लीन माई टीथ, ठीक है जी। ये एस ए एस यहाँ पे नहीं लग रहा, ये जरा गौर कीजिएगा। हम कुएं से पानी निकालते हैं, वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, यहाँ भी वर्ब की फॉर्म के साथ एस ए एस नहीं लग रहा क्योंकि इधर से वी यूज हो रहा है, आई यूज हो रहा है, ठीक है। वो मुझे बनाता है, ही पुल्स माय लग, अब यहाँ पे एस यूज हो रहा है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। वो अपनी गुड़िया के लिए कपड़े सीती है, शी सीज क्लोथ्स फॉर हर डॉल। जमील अपनी घड़ी को चाबी देता है, जमील वाइंड्स हिज वॉच। वो सुबह सवेरे उठते हैं, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये लड़के हर रोज वर्जिश करते हैं, दीज बॉयज टेक एक्सरसाइज एवरी डे। मैं दरवाजा नहीं खटखटाता हूँ, आई डू नॉट नॉक एट द डोर। अच्छा जी, हम तैरना नहीं जानते हैं, वी डू नॉट नो हाउ टू स्विम। अच्छा, 10 नंबर आता है, वो झूठ नहीं बोलती है, शी डज नॉट टेल अ लाई। अच्छा, 11 नंबर आता है, यू डू नॉट वाटर द प्लांट्स, ठीक है जी, तुम पौधों को पानी नहीं देते हो। वो लड़के शोर नहीं मचाते हैं, दोज बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस। क्या मैं झूठ बोलता हूं, डू आई टेल अ लाई, क्या हम इसे नहीं जानते, डू वी नॉट नो हिम, क्या वो तुम्हारा मुंह चिढ़ाता है, डज ही मेक फेसेस एट यू, क्या वो बालों में कंघी करती है, डज शी कॉम्ब हर हेयर, ठीक है जी। अब ये एग्जाम्पल्स हैं जी, इसकी पहले मैंने आपके सामने रख दी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बनता कैसे, स्ट्रक्चर्स वगैरह को हम डिस्कस करेंगे, फिर मजीद इसकी एग्जांपल हम देखेंगे। अच्छा, उर्दू के सेंटेंसेस के, उर्दू के फिक्रों के आखिर में इसमें ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, ठीक है जी, है वगैरह भी समटाइम आ जाता है। ही शी इट आर सिंगुलर, अगर ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाया जाता है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में डज नॉट सब्जेक्ट के बाद आ जाता है जी, ठीक है, ठीक है। और सेंटेंसेस में डज नॉट आ जाता जी, और डज नॉट बिगिनिंग में आ जाता है अगर सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव हो जी, या डज बिगिनिंग में आ जाता है अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, सवालिया हो। और सिर्फ उन वर्ब्स के साथ जो एंड हो रहे होते हैं सी एच से, एस एच से, या एक्स से, या ओ से, इनसे जो वर्ब्स एंड हो रहे होते हैं उनके साथ एस का इजाफा किया जाता है, ठीक है। वो भी अगर सब्जेक्ट ही शीट या प्लूरल हो तो, सिंगुलर हो तो, ठीक है। अब आई वी दे यू या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो फिर क्या होता जी, नो एस आर एस, फिर कोई एस आर एस नहीं लगता, और फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट हम लगा देते हैं, ठीक है, और डू को सेंटेंस के बिगिनिंग में लगा देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और उसके बाद सब्जेक्ट वगैरह आ जाता है। और यस आंसर वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ यस आई डू या नो आई डू नॉट, उनका यू आंसर बनाया जाता है, शी डज नॉट और नो शी डज नॉट लगा दिया जाता है, ये भी, ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाता है, डू यू टेक एक्सरसाइज एवरी डे, क्या आप हर रोज वर्जिश करते हो, येस आई डू और नो आई डू नॉट, इसका आंसर बनेगा, ठीक है। डू दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये भी येस और नो वाला आंसर बनता है इसका, यस दे डू होगा आंसर, या अगर नहीं खेलते तो फिर नो दे डू नॉट होगा, ठीक है, ये जरा ध्यान में रखने वाली बात है। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं
Does he go to school on foot? क्या वो पैदल स्कूल जाता है? Yes, he does. या अगर नहीं जाता तो no, he does not. Do you know how to swim? क्या तुम जानते हो कैसे तैरते हैं? Yes, I do or no, I do not. ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा इस तरह सा. अब आगे मजीद एग्जाम्पल्स इन्हीं हदायात की इंस्ट्रक्शंस की रोशनी में डिस्कस करते. एक देखते हैं फर्स्ट वाला. हम सुबह सवेरे उठते हैं और सैर को जाते हैं. वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर वॉक. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं जी सर वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होती. वोकैबुलरी पढ़ने से इंप्रूव होती है, रीडिंग से इंप्रूव होती है, बार बार प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है, न्यूज़पेपर्स पढ़ने से इंप्रूव होती है. ऐसे बैठे बैठे वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं हो जाती. ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके ये वोकैबुलरी इंप्रूव होती है. अब ये मैं पढ़ा रहा हूँ, कई काफ़ी अर्से से पढ़ा रहा हूँ, बड़ी अच्छी बुक है जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये है कि मुझे भी नहीं याद होते थे ये, या तैयार होती थी वोकैबुलरी इनकी. लेकिन जब मैं बार बार पढ़ाता रहा हूँ तो बहुत सारी जो ग्रामर की बुक्स हैं या ट्रांसलेशन की बुक्स हैं उनके सेंटेंस मुझे रट गए. ठीक है, तो ये बार बार पढ़ने से होता है. ठीक है, या छोटे बहन भाइयों को ट्रांसलेशन सिखाना शुरू कर दें तब भी आपको बड़ी जल्दी आ जाएगा. ठीक है, अवर कॉलेज ओपन्स एट 8 AM एंड क्लोजेज एट 12 PM. हमारा आजकल हमारा कॉलेज 8 बजे खुलता है और 12:30 बजे बंद होता है, तो उसकी ये ट्रांसलेशन बनती है जी. ठीक है, वो हर हफ्ते की शाम अपने गांव चला जाता है. ही गोज टू विलेज ऑन एवरी सैटरडे इवनिंग. देख लें ही और शी और इट जितने भी प्रोनाउंस हैं उनमें अगर उनके साथ अगर वो आ गया तो फिर ऐसे ही एस लग रहा है. ठीक है, या सिंगुलर आ रहा है. मैं चुस्त कपड़े पसंद नहीं करता. आई डू नॉट लाइक टाइट क्लोथ्स. मैं अपने वालदेन की नसीहत पर अमल करता हूँ. आई एक्ट अपॉन माई पेरेंट्स एडवाइस. इस गांव की आबो हवा मेरे मुवाफिक नहीं है. द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस विलेज डज नॉट सूट मी. आपके दरवाजे पर सुबह सवेरे कौन दस्तक देता है? हु नॉक्स एट योर डोर अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है जी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, इसी वजह से उसने ग्रीन लाइन लगाई हुई. हमारे इंग्लिश टीचर सबक में जान डाल देते हैं. आवर इंग्लिश टीचर एनलिवेंस द लेसन. ये सड़क किधर को जाती है? वेयर डस दिस रोड लीड टू. हिम्मत मर्दा मदद खुदा. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तुम लंगड़ाते क्यों हो? Why do you limp? क्या असलम ये नज़म ज़बानी याद करता है? Does असलम learn this poem by heart? नेक लड़के अपने वालदैन की हुक्म अदूली नहीं करते. Noble boys do not disobey their parents. डॉक्टर साहिब नब्ज़ मरीज की नब्ज़ देखते हैं. डॉक्टर feels the patient's pulse. अब पल्स ऑफ पेशेंट नहीं होगा क्योंकि अपॉस्ट्रोफी वहां पे लगाया जाता है जहां किसी चीज का जानदार से तलक बनता हो तो. ठीक है, तो पेशेंट जो है वो जानदार है और जो पल्स है ये भी जानदार है. ठीक है, तो जानदार चीजों का तलक बनता हो, जानदार चीज की मलकियत में कोई चीज आ जाए तो वो भी चाहे बेजान ही हो. ठीक है, तो वो भी उसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है, जानदार के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है. ठीक है, क्या तुम वक्त पर कॉलेज पहुंच जाते हो? डू यू रीच कॉलेज ऑन टाइम. अच्छा, ऑन टाइम और इन टाइम का डिफरेंस जरा देख लीजिएगा कि ऑन टाइम उस वक्त लगता है कि जब कॉलेज आपका 8 बजे लगता है, तो जैसे ही 8 बजे एग्जैक्टली आपका अगला कदम कॉलेज के अंदर हो. ठीक है, या आप कॉलेज के अंदर हो. ठीक है, और इन टाइम वहां पर लगता है कि आप आधा सेकंड या 1 सेकंड या 2 सेकंड अपने 8 बजने से पहले कॉलेज पहुंच जाए तो वो इन टाइम होगा. ठीक है, क्या तुम दौड़ने को तैरने पर तरजीह देते हो? डू यू प्रेफर स्विमिंग टू रनिंग. ठीक है जी, प्रेफर होता है तरजीह देना. सूर्य जमीन के गिर्द नहीं घूमता. द सन डज नॉट रिवॉल्व राउंड द सन राउंड द अर्थ. मेहनती लड़के अपने बाप दादा का नाम रोशन करते हैं. द इंडस्ट्रियस बॉयज
गिव क्रेडिट टू देयर फोर फादर्स होना चाहिए था, मैंने पेरेंट्स लिख दिया जल्दी में, इसको करेक्ट कर दिया जी। ठीक है, खुदा जानता, खुदा बेहतर जानता है, गॉड नोज बेटर। घंटी कौन बजाता है, हु रिंग्स द बेल। तुम मेरे साथ नाराज क्यों होते हो, व्हाई डू यू गेट एंग्री विद मी। वो अपना कीमती वक्त क्यों जाया करता है, व्हाई डज ही वेस्ट हिज प्रेशियस टाइम। वो शोर क्यों मचाता है, व्हाई डज ही मेक अ नॉइस। क्या पानी देगची में उबलता है, डज वाटर बॉयल इन द केटल। दो और दो चार होते हैं, टू इन टू मेक फोर। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे लेसन नंबर 5 पे चलते हैं जी। द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसको टेंस दोबारा लिख दिया गया जी, बस मिस टाइप हो गया, डबल टाइप काट दिया जी। ये होता है कि चलो पढ़ाते वक्त हमारी भी अपनी करेक्शन हो जाती। मूसलाधार बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हैविली। अब कंटीन्यूअस टेंस में आई एन जी फॉर्म लगती है वर्ब की जी, ठीक है, और इज एम आर का इस्तेमाल होता है। इज एम आर का इस्तेमाल आप पहले सीख चुके हैं। मैं अपनी घड़ी को चाबी दे रहा हूं, आई एम माइंडिंग माई वॉच। वो काम जो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग हो रहे हो, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में काउंट करते हैं। मवेशी खेतों में चल रहे हैं, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। ठीक है जी, लड़कियां सुरीला गीत गा रही हैं, द गर्ल्स आर सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स। ओके जी, लोग मेले में नहीं जा रहे, पीपल आर नॉट गोइंग टू द फेयर। सूरज पहाड़ी की ओट में ग्रुप नहीं हो रहा है, द सन इज नॉट सेटिंग बिहाइंड द हिल। क्या असलम सच बोल रहा है, इज असलम स्पीकिंग, इज असलम टेलिंग स्पीकिंग द ट्रुथ। ठीक है जी, यह होगा। क्या तुम्हें सर्दी लग रही है, आर यू फीलिंग कोल्ड। क्या मिस्टर जमील सिगरेट सुलगा रहे हैं, इज मिस्टर जमील लाइटिंग अ सिगरेट। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं, एम आई नॉट हेल्पिंग यू। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल्स तो आपने देख ली है, अब इसकी इंस्ट्रक्शंस को हमने पढ़ना है, देखना है कि इसकी कंस्ट्रक्शन होती कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी होती है। रहा है, रही है वगैरह उर्दू में इसकी निशानी है, इसके सेंटेंस के आखिर में स्ट्रक्चर जो सिंपल सेंटेंसेस का होता है, सब्जेक्ट आता है जी, उसके बाद इज एम आर वगैरह में से कोई एक लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या लॉजिक जो रूल के मुताबिक होता है, और फिर वर्ब की आई एन जी फॉर्म लग जाती है, या आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो फिर वो भी लगा दिया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस की क्या स्ट्रक्चर है जी, सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, और फिर नॉट, और फिर वर्ब की जो आई एन जी फॉर्म, और फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो लगा दें, नहीं तो नहीं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की क्या स्ट्रक्चर होती है जी, इज एम आर को बिगिनिंग में लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वी आई एन जी फॉर्म आ जाती है, या फिर अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो भी साथ में लगा देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट भी लगा देते हैं, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है जी। ठीक है, अच्छा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की भी देख लें जी, स्ट्रक्चर देख लें। इज एम आर, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर नॉट आ जाता है, फिर वी आई एन जी आ जाती है, आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, और यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है, इन केस अगर कोई आगे ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो फिर वर्ब के आई एन जी फॉर्म के साथ आगे ऑब्जेक्ट भी लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे इज ही सब्जेक्ट है, नॉट राइटिंग अ लेटर, अब अ लेटर ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, और उसके बाद हमने लगा दिया जी क्वेश्चन मार्क, और ये जो नॉट है सब्जेक्ट से पहले भी लगाया जा सकता है इंटरेक्टिव सेंटेंस में, और सब्जेक्ट के बाद भी लगाया जा सकता है जी। ठीक है, जैसे इज ही, ये ही जो सब्जेक्ट है, और इसके बाद यहां पे नॉट आ रहा है जी।
इज ही नॉट क्राइंग या यूं भी हो सकता है इज नॉट ही क्राइंग, दोनों सूरतों में करेक्ट है, दोनों सूरतों में ठीक है। अच्छा इसके बाद हम चलते हैं आगे जी। सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि उर्दू सेंटेंसेस जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होते, उर्दू सेंटेंसेस में कंटिन्यूस फॉर्म हमें नजर नहीं आती, लेकिन इंग्लिश में वो कंटिन्यूस टेंस में ही ट्रांसलेट होते। जैसे ये देखें जी, कुत्ता कुर्सी के नीचे बैठा हुआ है, बैठ रहा है नहीं बैठा हुआ है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे द डॉग इज सिटिंग अंडर द चेयर, ठीक है। लड़के बेंचों पर खड़े हैं, द बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन द बेंचेस, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, सम टाइम द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस के सेंटेंसेस भी होते हैं उनको भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे हम कल क्रिकेट मैच खेलेंगे, तो ये होगा वी आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच टुमारो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फ्यूचर टेंस का जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो इस तरह भी ट्रांसलेशन होती है, ठीक है जी। आगे चलें जी, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल्स कुछ होते हैं जी आई एन जी फॉर्म के लिए, तो वो हम जरा देखेंगे। The following is a guide to the correct spelling of ing forms of verbs and gerunds. ing forms जो verbs की होती हैं उनके लिए correct spelling rules हैं जी मदरजा ज़ैल में, और फिर जो gerunds होते हैं, gerund क्या होता है, verbal noun होता है, verb से बनता है, जैसे build से building है, smoke से smoking है, ठीक है, तो ये gerund बन जाता है first form, और आगे उसके साथ ing लगा दें तो फिर ये फिर एंड में अगर वॉवल वगैरह हो तो उसको हटा दिया जाता है जी, ठीक है। जनरल रूल्स जो है वो जब हम वर्ब को आईएनजी फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसमें सिर्फ आईएनजी फॉर्म ही लगा दी जाती है वर्ब के एंड में, तो जनरली तो ऐसा ही होता है, जैसे फील से फीलिंग, गो से गोइंग, वर्क से वर्किंग, स्लीप से स्लीपिंग, ये एक जनरल रूल है, ठीक है। लेकिन यहां पर She wasn't feeling very well. ये example है, he is working on a new project. The children are sleeping, so be quiet. अच्छा इसके पास spelling exceptions हैं। The following exceptions exist when spelling words ending in ing. Number one पे if the verb ends in an e. अगर कोई वर्ब ई में एंड होता है तो वी रिमूव द ई एंड एड आई एन जी, तो फिर हम ई को हटा देते हैं और आई एन जी को लगा देते हैं। जैसे टू लिव है, ई से एंड हो रहा है तो यहां पे लिविंग बन जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आगे देखते हैं जी, हैव ई से एंड हो रहा है, ये हटा दिया, आई एन जी लगा दिया। मेक ई से एंड हो रहा है, ये हटा दिया, आई एन जी लगा दिया। टेक ई से एंड हो रहा है, ये हटा दिया, आई एन जी लगा दिया, ठीक है। तो वावल से अगर कोई वर्ब एंड हो रहा हो तो उसका जो वावल लेटर है वो हटा दिया जाता है और उसकी जगह आई एन जी लगा दिया जाता है, ये रूल है। पीपल आर लिविंग लॉन्गर नाउ देवर 100 ईयर्स अगो, नाउ देन देवर 100 years ago. We are making a chocolate cake. He was taking his time to get ready. If the verb ends in a consonant plus vowel plus consonant, we double the final consonant adding ing. ठीक है जी? तो अगर कोई verb consonant से end हो रहा है जी, T आ गया जी, फिर vowel आ गया और फिर consonant आ गया. Consonant, vowel, consonant. तो ये बन जाएगा स्टॉपिंग, ठीक है जी। अब ये हाकर्स हैं जी, आ जाते हैं, कभी एक आता है कभी दूसरा आता है, अल्लाह के बंदे हैं और इन्होंने भी अपना रिस्क माना है, इस वजह से इनको माना जो है वो करना मैं मुनासिब नहीं समझता। दुआएं लेना जो है बहुत बड़ी बात है, मैं भी इनकी दुआएं ले रहा हूं। अच्छा जी, सिट आ गया जी, ठीक है। एस आई टी से एस कंसोनेंट है, फिर आई जो है वॉवल है और फिर टी फिर कंसोनेंट है, तो फिर ये बन जाएगा सिटिंग, ये डबल हो जाएगा लास्ट वाला फाइनल कंसोनेंट है, यहाँ पे भी फाइनल कंसोनेंट एन जो है डबल हो जाएगा जी, लेकिन तरतीब वही है, ये कंसोनेंट प्लस वॉवल प्लस कंसोनेंट, अगर ये हो तो इस सूरत में जो एंड वाला कंसोनेंट है उसको डबल कर दिया जाता है। यहाँ पे स्विम भी इसी तरह
कामदान इंडिया वावल दरमियान में आ गया आई और फिर कामदान इंडिया आ गया, तो इसको ये डबल हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं जी आगे, द पुलिस मैन इज स्टॉपिंग द ट्रैफिक, ये देख लें इसकी एग्जाम्पल्स हैं। वी आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर अवर टीचर, आई थिंक आई एम गेटिंग कोल्ड, और नंबर थ्री वाला रूल है जी, इफ टू सिलेबल वर्ब्स एंड्स इन अ कंसोनेंट प्लस वावल प्लस कंसोनेंट, वी डू नॉट डबल द फाइनल कंसोनेंट व्हेन द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल। जब फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस हो तो ठीक है जी, वो भी वही कंसोनेंट प्लस वावल प्लस कंसोनेंट, ठीक है, लेकिन टू सिलेबल हैव पेन, ठीक है, टू सिलेबल वर्ड्स है, ठीक है, तो स्ट्रेस फर्स्ट पे है, ठीक है, और ये जो है हैपनिंग, कहते वी डू नॉट डबल जी कंसोनेंट, फाइनल कंसोनेंट डबल नहीं होता, हैपनिंग है जी, अब ये ऑलरेडी डबल है, ठीक है, इसको हम डबल नहीं कर रहे। इंटर से एंट्रिंग है जी, ठीक है, आखिरी कॉन्सोनेंट आ रहा है उसको डबल नहीं कर रहे, ऑफर से ऑफरिंग आखिरी कॉन्सोनेंट आ रहा है उसको डबल नहीं कर रहे, ये आ रहा है डबल नहीं कर रहे जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, व्हाट इज हैपनिंग, दे आर ऑफरिंग डिस्काउंट, मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द लैक ऑफ फूड एंड वाटर, ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं, सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस में एग्जाम्पल। नंबर फोर पे आ जाए जी, बट वी डू नॉट डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट व्हेन द वर्ब एंड्स इन डब्ल्यू X or Y or when the final syllable is not emphasized, या फिर अगर final जो syllable है उसको emphasize नहीं किया जाता, उस सूरत में हम final consonant को double नहीं करते। जैसे W से end हो रहा है वो fix, तो fixing हो जाएगा, enjoy, Y से end हो रहा है तो enjoying हो जाएगा, ing लगा देंगे, ठीक है, double नहीं किया जा रहा final consonant। Snow W से एंड हो रहा है और फिर स्नोइंग, इसको W को डबल नहीं कर रहे जी फाइनल कंसोनेंट को, ठीक है, ये W X और Y से एंड होने वाले जितने भी वर्ब्स हैं उनमें फाइनल कंसोनेंट को डबल नहीं किया जाता, मेन बात ये। He is fixing his bike, we are enjoying this great weather, it's snowing outside, if the verb ends in IE we change it to a YING। आई ई से कोई वर्ब एंड हो रहा हो तो फिर इसको वाई आई एन जी से तब्दील कर देते हैं, जैसे लाई है आई ई से तब्दील हो रहा है, डाई है आई से, ये भी आई ई से, तो फिर वाई आई एन जी से तब्दील हो रहे हैं सारे, लाइंग डाइंग टाइंग, ठीक है जी। अब आगे नेक्स्ट रूल देखते हैं जी, इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई नो यू आर लाइंग टू मी, यू शुड वाटर योर प्लांट मोर बिकॉज आई थिंक इट इज डाइंग, द लिटिल बॉय इज टाइंग हिज शू लेसेस। नंबर सिक्स पे देखते हैं जी, इफ द वर्ब एंड्स इन कंसोनेंट प्लस वावल प्लस एल, वी नॉर्मली डबल द फाइनल एल एंड एडिंग आईंग। कंसोनेंट से, वावल से और एल से कोई वर्ब एंड हो रहा हो तो फिर एल को डबल कर देते हैं और आई एन जी लगा देते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो दोनों जो है वो दे दी गई, यूके की भी और यूएस की भी, यूनाइटेड स्टेट्स की भी, यूनाइटेड किंगडम और यूएस की भी। तो यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में जो है ट्रैवलिंग डबल एल कर दिया गया है, यहाँ पे सिंगल एल है, यहाँ भी यूके वाले में डबल एल, डबल एल हो गया और यूएस में सिंगल एल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, आई हैव बीन ट्रैवलिंग अराउंड साउथ अमेरिका फॉर 6 months, he was marveling at her beauty. If the verb ends in stressed vowel plus r, stressed vowel ho aur saath r ho to phir hum double kar dete hain final r ko aur ing add kar dete hain. refer e pe stress ja raha hai ji, theek hai, defer e pe stress, defer राउंड वो लोग बोलते नहीं, ठीक है, तो इस पे वर्ब एंड हो रहा है जी, ठीक है, स्ट्रेस वॉवल पे, ठीक है, तो फिर आगे आने वाला जो रा है, रा साउंड है, आर साउंड है, उसको डबल कर दिया जाता है आर को, डेफरिंग रेफरिंग, ठीक है जी, रेफरिंग। आर यू रेफरिंग टू दिस वन ऑफ दैट वन, दे आर थिंकिंग ऑफ डेफरिंग पेमेंट ऑफ देयर मॉर्गेज, ठीक है, इफ द वर्ब एंड्स इन एन अनस्ट्रेच वॉवल प्लस आर, वी डू नॉट डबल द फाइनल आर एंड एड आई एन जी, ये देख लें जी आगे, ऑफर से ऑफरिंग, ठीक है, अनस्ट्रेस वॉवल आ रहे हैं,
आफर ठीक है, तो इसमें देख लीजिए सफर विश्पर ठीक है, तो इसमें डबल नहीं होता जी, फाइनल आर। आई एम ऑफरिंग यू अ स्पेशल डील, ही इज नॉट सफरिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन, आई वंडर व्हाट ही इज विश्परिंग इन हर ईयर। अच्छा आगे कोई एक्सरसाइज एक और है सिक्स नंबर की, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यहां भी टेंस डबल हो गया जी ठीक है। पूरा चांद चमक रहा है, द होल मून द फुल ऑफ मून इज शाइनिंग, इज शाइनिंग होगा जी। क्या आंधी चल रही है, इज इट इज द गेल ब्लोइंग। क्या हफीज अपना सबक सुना रहा है, इज हफीज टेलिंग हिज लेसन ठीक है जी। यहां पे जरा थोड़ा सा हो गया, मिस्टेक हो गई है, इसको देख लेते हैं, कंसल्ट कर लेता हूं। इज हफीज टेलिंग हिज लेसन, इसको देखते हैं जी, होल्ड ऑन, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या हफीज अपने सबक सुना रहा है, इज हफीज सेइंग हिज लेसन। बेटा पर आवाज हो रही है थोड़ी देर के लिए, खामोशी तैयार कर लेते अजान के अदब में। अच्छा ये खुद ही देख लीजिएगा ठीक है, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ यहीं पर ठीक है, क्योंकि अजान हो रही है तुम्हें।